हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय. दिस इज विनीत मैन राइट एंड यू आर वाचिंग ONS स्टडी सर्कल. दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसको जानना जरूरी क्यों है, कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, और ये देखेंगे कि क्या क्या अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं, कितने तरीके के टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के, और ये देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर हमें एक स्पेसिफिक अकाउंट दिया गया है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा अकाउंट है, जो किस में से जो टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के, कैसे हम देखेंगे कि ये कौन सा वाला टाइप है. इसका एक मेथड होता है जो हम आपको आज बताने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके जब भी हम वीडियो डालें. तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ. तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जानना ज़रूरी क्यों है कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं. जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. कैसे रिकॉर्ड करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को जनरल एंट्रीज के थ्रू. हम उन ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री पास करते जाते हैं. अब जनरल एंट्री पास करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिसको कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आप उसको भी देख सकते हैं. अब ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमें बताता है कि कौन सा टाइप अकाउंट का होगा तो क्या रूल लगेगा. तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, कि जो अकाउंट जिसमें ट्रांजेक्शन ओकर हो रही है उसका टाइप क्या है, तभी हम देख पाएंगे कि उसमें कौन सा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लगेगा. नहीं तो हम जनरल एंट्रीज गलत पास कर देंगे. उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारा बैलेंस है वो गलत आएगा, पूरी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी. तो इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम सही तरीके से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लगा सकें और सही तरीके से जनरल एंट्रीज पास कर सकें. अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं. ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स. और दोस्तों, पर्सनल का भी आगे क्लासिफिकेशन होता है. पर्सनल अकाउंट का मतलब जनरली ये होता है कि वो अकाउंट जो एक पर्सन का है या पर्सन को डिनोट करता है. अब वो पर्सन कैसे हो सकता है? वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है जो भगवान ने बनाया है, जैसे ह्यूमन बींग, और एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है जो लॉ बनाते हैं, क्योंकि लॉ भी एक पर्सन बनाती है, जैसे कि कोई कंपनी होगी. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड. तो पर्सनल अकाउंट में आए नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जैसे कि XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, इस तरीके से. अब एक आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सन को ही डिनोट करता है, पर्सन को ही रिप्रेजेंट करता है. कैसे? मान लीजिए एक वर्कर है, एक एम्प्लॉय है कंपनी का, XYZ का एक वर्कर है. कंपनी क्या करती है, उसको वेजेस एडवांस में पे कर देती है. तो एक एडवांस वेजेस का, वेजेस प्रीपेड का अकाउंट ओपन होगा जो दिखाएगा किसको, कि इस एम्प्लॉय को वेजेस एडवांस में पे कर दिए गए हैं. तो ये इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एम्प्लॉय को, जो कि एक पर्सन है. तो इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब हम बात करते हैं आगे चल के रियल अकाउंट के बारे में. दोस्तों, रियल अकाउंट्स में क्या होता है, जो फर्म की एसेट्स होती हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, उनके जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं रियल अकाउंट्स. ये दो तरीके से हो सकते हैं, जैसे हमने बात करी टेंजिबल और इंटेंजिबल. टेंजिबल से मतलब हमारा यहाँ पे होता है जिस एसेट को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एक्सेट्रा. इंटेंजिबल ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. तो ऐसे अकाउंट्स होते हैं गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा. ये अकाउंट्स आते हैं रियल अकाउंट्स के अंडर, टेंजिबल और इंटेंजिबल. दोस्तों, बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉमिनल का मतलब क्या होता है. नॉमिनल का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन नेम ओनली, मतलब सिर्फ नाम में ही इसका एक अस्तित्व होता है, फिजिकली रूप से इसकी कोई प्रेजेंस नहीं होती. इसके अंडर में आते हैं दोस्तों वो अकाउंट जो कंपनी से संबंधित होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेंस. ये जो अकाउंट होते हैं ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंडर, जैसे कि हो गया परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट हो गया क्योंकि इसमें कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन इसमें मनी इन्वॉल्व है. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉमिनल अकाउंट में फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं होती लेकिन मनी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हो गया सैलरी अकाउंट. तो ये जो अकाउंट्स हैं इस तरीके के, वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स. दोस्तों, हम बात करते हैं कि कैसे आप देख सकते हैं कि अकाउंट है जो कौन से टाइप का अकाउंट है. मान लीजिए आप एंट्रीज पास करने लगे हैं, कोई अकाउंट है आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टाइप है अकाउंट का, तो आप कैसे उसको पता कर सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं. जैसा कि हमें पता है कि गोल्डन रूल्स सही तरीके से लगाने के लिए हमें अकाउंट का टाइप पता होना चाहिए, पर कैसे हम उसको पता कर सकते हैं, ये भी एक तरीके का क्वेश्चन होता है हमारे माइंड में. तो कैसे पता कर सकते हैं इसको देख लेते हैं. मान लीजिए दोस्तों एक अकाउंट है, उसका आपको टाइप नहीं पता चल रहा है कि वो कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट्स है.
तो आप उसको कैसे पता कर सकते हैं, आप जो तीनों टाइप होते हैं अकाउंट्स के उससे उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है आपको डायरेक्टली ये नहीं पता चलता है कि अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि हाँ ये वाला अकाउंट तो नहीं है। मान लीजिए एक अकाउंट दिया है आपको और आपको पता चल रहा है कि पर्सनल अकाउंट तो नहीं होगा, ये नॉमिनल अकाउंट भी नहीं लग रहा, तो इसका मतलब यह है कि वो रियल अकाउंट है। यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला अकाउंट ही नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो डेफिनेटली तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट है। हालांकि हमें ये नहीं पता था कि वो अकाउंट रियल अकाउंट है, हमें डायरेक्टली ये नहीं पता था कि वो अकाउंट रियल अकाउंट होगा, लेकिन हमें पता है कि वो पर्सनल और नॉमिनल तो नहीं है। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप सुपरमार्केट में गए, वहाँ पे एक ऐसा फ्रूट है जिसका नाम आपको नहीं पता, आप किसी से पूछते हैं कि ये कौन सा फ्रूट है, वो आपको तीन ऑप्शन देता है, मैंगो, बनाना या ड्रैगन फ्रूट। अब आपको पता है कि ये मैंगो तो नहीं है, बनाना भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन ही डेफिनेटली करेक्ट होगा, जो होगा ड्रैगन फ्रूट। यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये नहीं पता था कि ये ड्रैगन फ्रूट है, पर आपको ये पता है कि ये दो चीज़ें तो ये नहीं है, तो इसका मतलब तीसरा ही है। ऐसे देख सकते हैं, कोई अकाउंट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये देखिए कि अकाउंट क्या पर्सनल हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो क्या नॉमिनल हो सकता है, नॉमिनल भी नहीं है तो वो रियल ही है। अब ये देख सकते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि डायरेक्ट ये अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो अब ये देखें कि ये वाला हो सकता है क्या, ये वाला हो सकता है, अगर आपको पता चल रहा है कि दोनों नहीं है तो तीसरा ही राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये एक मेथड होता है, काफ़ी आसान मेथड है ये अकाउंट के टाइप को पता करने का। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।